जब दो रशियन कॉस्मोनॉट्स अपने रूटीन विंडो क्लीनिंग मिशन पर निकले तो सोचा भी नहीं था कि उन्हें स्पेस की एम्प्टीनेस में लाइफ के एविडेंस मिल सकते हैं। हम वैक्यूमस स्पेस में लाइफ के बारे में सोच भी नहीं सकते। हाँ, इम्पॉसिबल तो है, लेकिन वहां था। और वो उन्हें इस दुनिया से बाहर की चीज लगी थी। पृथ्वी का कोई भी जीव स्पेस में नहीं रह सकता। अगर ये बात सही है तो स्पेस स्टेशन पर मौजूद क्रू ही स्पेस में जाने वाला इकलौता जीव नहीं है। 18 अगस्त सन 2014 कॉस्मोनॉट्स आर्टेमियेव और स्कोवोर्ट्ज़ोव इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से 5 घंटे के स्पेस वॉक के लिए निकले। उनका सबसे अहम काम था इंसान के बनाए सबसे महंगे मोबाइल होम की हर खिड़की की सफाई। हम तो यही सोचते हैं कि स्पेस बड़ा ही साफ सुथरा होगा, लेकिन पृथ्वी की ऑर्बिट में हमारे आज तक के सभी स्पेस मिशंस की डेब्री जमा है। और स्पेस क्राफ्ट्स पर इस मटेरियल की परत जम जाती है। जब कॉस्मोनॉट्स वापस अंदर आए तो अपने क्लीनिंग मटेरियल्स की जांच करने लगे। उन्होंने अपने वाइप्स की एनालिसिस एक माइक्रोस्कोप के नीचे की और उन्हें जो दिखा वो चौंका देने वाला था। उन कॉस्मोनॉट्स ने जब माइक्रोस्कोप के नीचे एक प्लैंकटन देखा तो उनका दिमाग चकरा गया। प्लैंकटन लाइफ के माइक्रोस्कोपिक फॉर्म्स होते हैं और पृथ्वी के समंदरों और झीलों में पाए जाते हैं। स्पेस में प्लैंकटन मिलने की बात तो कोई सोच भी नहीं सकता। वो आखिर वहां तक कैसे पहुंच गया? कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हवा में उड़कर पृथ्वी के अपर एटमॉस्फेयर तक पहुंच जाते हैं, लेकिन इस बात पर यकीन नहीं होता कि हवा ने प्लैंकटन को पृथ्वी से 352 किलोमीटर दूर स्पेस के वैक्यूम में कैसे पहुंचा दिया। कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे प्लैंकटन जितनी भारी चीज हवा के सहारे उतनी ऊंचाई पर पहुंच सके। एयर करंट्स हार्ड वैक्यूम में अच्छी तरह काम नहीं करते। कुछ लोगों ने कहा कि वो प्लैंकटन किसी रीसप्लाई मिशन में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंच गया होगा, लेकिन ज्यादातर रॉकेट्स तो ऐसी जगह से आते हैं जहां प्लैंकटन मिलते ही नहीं है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि रशिया अपने सारे लॉन्चेस कजाकिस्तान के बायकोनर से करता है, जो एक डेजर्ट है और वहां मरीन ऑर्गेनिजम्स नहीं पाए जाते। लेकिन हर रीसप्लाई रॉकेट सिर्फ कजाक डेजर्ट से नहीं आता। अमेरिका अपने रॉकेट केप कनावरल से लॉन्च करता है जो अटलांटिक ओशियन के करीब है और उसमें काफी मरीन प्लैंकटन है। तो क्या ये नहीं हो सकता कि स्पेस स्टेशन के वो अनएक्सपेक्टेड इमिग्रेंट्स किसी अमेरिकन स्पेस क्राफ्ट पर आए हों, लेकिन स्पेस में उनके सर्वाइवल के चांसेस बहुत कम ही होते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म स्पेस के वैक्यूम में सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन वो सस्पेंडेड एनिमेशन में रहेंगे। मगर यहाँ चौंकाने वाली बात यह है कि वो सी प्लैंकटन मिला था स्पेस स्टेशन के बाहर, जहाँ उसे न सिर्फ स्पेस के वैक्यूम का बल्कि हाई एनर्जी कॉस्मिक रेज और सूरज के रेडिएशन का भी सामना करना पड़ा होगा। एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट चंद्र विक्रमसिंघे नहीं मानते कि पृथ्वी का कोई भी प्लैंकटन उस हार्श एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर पाएगा। पृथ्वी का कोई भी जीव स्पेस में जिंदा नहीं रह सकता। मुझे लगता है कि किसी फ्रोजन कॉमेट लेक का एक फ्रैगमेंट हमारे स्पेस स्टेशन के पैरेलल घूम रहा था और वही उससे जा टकराया। उस स्पेस प्लैंकटन के बारे में ऐसी अनोखी बात कहने वाले विक्रमासिंघे ऐसे इकलौते साइंटिस्ट नहीं हैं जो इस बात को सपोर्ट करते हैं। ग्रीन प्लैंकटन खिड़कियों के बाहर तब चिपका होगा जब स्पेस स्टेशन कॉमेटरी डेबरी के करीब से गुजरा होगा। इसके बारे में थियरी ये है कि आउटर सोलर सिस्टम से एक कॉमेट आया जिसे सूरज की ग्रेविटी ने अपनी ओर खींच लिया। जब वो पृथ्वी की ओर बढ़ रहा था तब सूरज की गर्मी से कॉमेट की आइसी सरफेस पिघल गई और उससे उसके पीछे से गैस, डस्ट और माइक्रो लेडन आइस का एक ट्रेल बना। वो ट्रेल शायद स्पेस स्टेशन के पास से गुजरा हो और अपना माइक्रोबियल कार्गो छोड़ गया हो। लेकिन एक माइक्रोबियल लाइफ इतने लंबे सफर में सर्वाइव कैसे कर गई? हम ये तो जानते हैं कि अगर हम किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कॉस्मिक रेस से बचाकर एक मीटियोराइट की सतह के ठीक नीचे रखें तो वहाँ वो काफी लंबे समय तक सस्पेंडेड एनिमेशन में रह सकता है, शायद इनडेफिनेटली भी। इससे इस बात को भी बल मिलता है कि इसी तरह से पूरे यूनिवर्स में लाइफ की सीडिंग हुई है।
सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि ज्यादातर लोगों की ये सोच ही गलत है कि किसी जीव के लिए लिक्विड पानी जरूरी है। मैंने बर्फ में, एंशिएंट बर्फ में लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सैंपल्स जमा किए हैं और जब वो बर्फ पिघली तो वो सारे बैक्टीरिया बाहर आ गए और वो तैरने लगे। बड़े खुश भी थे क्योंकि उनकी जिंदगी में फिर से बाहर आ गई थी। तो क्या ये नहीं कहा जा सकता कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर मिला स्पेस स्लाइम असल में पृथ्वी से गया ही नहीं था? क्या एलियन लाइफ फॉर्म्स हमारी पृथ्वी पर हमला कर रहे हैं? मेरे ख्याल से हाँ। नासा अभी भी इंतजार कर रही है कि रशियंस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर मिले स्पेस लाइम के डेटा रिलीज करें। जब तक वो रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक ये पता नहीं लगेगा कि वो प्लैंकटन कहां से आया था। जब एक वेटरन नासा और एयरफोर्स पायलट ने स्पेस में तस्वीरें ली तो उन्होंने सोचा भी नहीं था कि वहां कुछ ऐसा भी दिखेगा। वो एक लॉन्ग वर्म की तरह हिल रहा था, किसी जीव की तरह छटपटा रहा था। और उस मिस्ट्री ऑब्जेक्ट के गायब होने के कुछ देर बाद ही शटल में एक सीरियस खराबी आ गई। वो वैक्यूम स्पेस में जाने को तैयार थे और लग रहा था कि उनका सूट उनकी जान ले लेगा। नासा को जांच पड़ताल करके इस मामले की तह तक जाना था। एक मार्च सन 2002, स्पेस शटल कोलंबिया ने कैनेडी लॉन्च पैड से लिफ्ट ऑफ किया और फौरन ही पायलट और मोटरसाइकिल एंथुजियास्ट ड्वेन डिगर कैरी ने उस 38 लाख किलो के थ्रस्ट वाली मशीन की कमान संभाल ली। पहले दो मिनट तक तो ऐसा लगा जैसे मैं एक सुपरचार्ज्ड नाइट्रो फ्यूल्ड हॉली डेविडसन की सवारी कर रहा हूँ, जिसमें फायर, वाइब्रेशन, थ्रस्ट और स्पीड थी। बहुत ही तेज आवाज थी और काफी धुआं था। वो व्हीकल टावर के लिए निकल गया, मैनचेस्टर डिस्कवरी रोल प्रोग्राम। अचानक ही जब अलग हुए तो लगा कि मैं होंडा गोल्ड विंग पर बैठा हूँ। पावरफुल, स्मूथ, क्वाइट, लेकिन बहुत ज्यादा स्पीड वाला। कैरी और एसटीएस 109 के क्रू को नासा के इतिहास के एक सबसे चैलेंजिंग मिशन पर भेजा गया था। उन्हें 200 करोड़ डॉलर के हबल स्पेस टेलीस्कोप की रिपेयरिंग करनी थी। हबल स्पेस टेलीस्कोप एक बड़ा ही एक्सपेंसिव सिस्टम है। जब हमें पता लगा कि उसमें इतनी बड़ी खराबी आ गई है तो नासा की रेपुटेशन दांव पर लग गई। वहां मिशन स्पेशलिस्ट तो रिपेयर का काम कर रहे थे, पर कैरी को वीडियो और फोटोग्राफ्स की मदद से उनकी एक्टिविटीज को रिकॉर्ड करना था। क्रूज को हमेशा कैमरा चलाना सिखाया जाता है ताकि जब भी वक्त मिले वो कुछ पिक्चर्स ले सकें। अचानक ही कैरी को शटल के बाहर कुछ दिखा तो वो डिस्ट्रैक्ट हो गए। मैं खिड़की से बाहर देख रहा था और वहां पर मुझे एक चीज नजर आई। ऐसा लग रहा था जैसे वो एक मेटालिक ऑब्जेक्ट है, कॉम्प्लेक्स शेप वाला, और वो भी करीब करीब हमारी ही स्पीड पर घूम रहा था। फिर उसने थोड़ा ट्विस्ट किया तो उसके अंदर से लाइट के इररेगुलर फ्लैशेस निकलने लगे। इसमें मुझे सबसे इंटरेस्टिंग बात ये लगी कि वो सिर्फ एक शेपलेस ब्लॉब नहीं था बल्कि एक आग था और वो घूम रहा था। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि वो किसी केंचुए की तरह छटपटा रहा था। वो एक लॉन्ग वर्म की तरह हिल रहा था, स्पेस में एक लॉन्ग वर्म। और उस शटल के पास ऐसा कोई जीव पहली बार नजर नहीं आया था। मुझे सबसे ज्यादा हैरानी इस बात पर हुई कि एस्ट्रोनॉट स्टोरी मसग्रेव ने भी कहा कि अपने स्पेस ट्रिप्स में भी उन्होंने ऐसा ही कुछ देखा था। और फिर अचानक ही वहाँ एक ऑब्जेक्ट नजर आने लगा। वो वहां नहीं था, फिर देखने लगा। वो एक सांप जैसा ऑब्जेक्ट था, करीब 2-2.5 मीटर लंबा, और मैं सोच रहा था कि वो है क्या। एसटीएस 109 से कैरी ने मिशन कंट्रोल से कहा कि वो उस ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने में मदद करे। मैंने उसकी कुछ पिक्चर्स भी ली, कुछ वीडियोस बनाए और पृथ्वी पर भेज दिया और पूछा ये क्या है। लेकिन नासा का ध्यान एक ज्यादा बड़ी समस्या पर लगा था। पेलोड कमांडर जॉन ग्रंसफेल्ड उस वक्त स्पेस में हबल पर जाने की तैयारी कर रहे थे, तभी एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई। हम तीसरे दिन ईवीए नंबर 3 की तैयारी कर रहे थे तभी उनके सूट में से पानी लीक होने लगा। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी क्या हालत हुई होगी। वो वैक्यूम स्पेस में जाने की तैयारी कर रहे थे तभी लगा कि उनका सूट उनकी जान ले लेगा। उनके सूट में पानी लीक होना शुरू हुआ
तो ग्रंसफेल्ड के पास बस एक ही उपाय था, अंदर जाकर सूट उतारें, वरना वो बिल्डअप उनके लिए खतरनाक हो सकता था। तो हमने जॉन को ऑर्बिटर में वापस आने के लिए कहा और बाकी सबके स्पेस सूट पार्ट से हमने उनके लिए एक नया स्पेस सूट बनाया। नासा टेक्नीशियंस ने फॉरन सूट को आइसोलेट किया और फिर पानी लीक होने की वजह का पता लगाया। जब ऐसा कुछ होता है तब नासा उसकी पूरी जांच पड़ताल करती है और सही वजह का पता लगाती है। पता लगा कि प्रॉब्लम की वजह थी स्पेस स्टेशन के एयरलॉक में अचानक हुआ वोल्टेज स्पाइक। उनका कहना था कि हल्के से वोल्टेज स्पाइक की वजह से जॉन के स्पेस सूट का एक वाल्व खुला रह गया था और उसी से स्पेस सूट के अंदर पानी आने लगा था। इस बात का पता लगाने का कोई तरीका नहीं था कि सूट में आई खराबी की वजह वो फ्लैशिंग ऑब्जेक्ट था या नहीं जिसे कैरी ने देखा था। ये भी नासा से आई एक मिस्ट्री थी और हम भी ये जानना चाहते हैं कि वो चीज आखिर क्या थी और ऐसा क्या हुआ था कि उसके दिखने के फौरन बाद ही वो इलेक्ट्रिकल मैलफंक्शन हुआ। मेरे ख्याल से कुछ दिन बाद हमें इस सवाल का जवाब भी ईमेल या किसी और तरीके से मिल गया। कहा गया कि हम नहीं जानते वो क्या था और हमारे पास उसका पता लगाने का वक्त भी नहीं है। हम स्पेस में बहुत सी ऐसी चीजें देखते हैं जिनके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते, लेकिन शायद एक दिन जब स्पेस में और भी लोग जाने लगेंगे और उनके पास वक्त होगा तो वो इन सवालों के जवाब जरूर ढूंढेंगे। वेटरन एस्ट्रोनॉट स्टोरी मसग्रेव को इस बात की उम्मीद नहीं है। हम स्पेस में मौजूद चीजों के बारे में कितना जानते हैं? शायद कुछ भी नहीं जानते। मेरे पास कोई जवाब नहीं है। जवाबों की खोज का ये सिलसिला चलता रहेगा। नासा की नजरें स्पेस की गहराइयों में टिकी रहेंगी और वो अनोखे प्लैनेट्स और डिस्टेंट स्टार सिस्टम्स की खोज करती रहेगी। नए नए रहस्य सामने आएंगे। सच तो ये है कि हम अपनी पृथ्वी की ऑर्बिट में मौजूद बहुत सी चीजों के बारे में कुछ भी नहीं जानते।